जाते हैं। मैं डॉक्टर, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और उन्होंने उन सपनों को, उन लक्ष्य को जिया है। और मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे बीच में आवर लीडर्स, डेडिकेटेड पर्सन, टॉपर्स लीडर्स, मिस्टर अमोल खड़के सर। और हमारे 6 महीने बाद शादी हो गया। तो यही कहानी है।
सर कभी मैम घर में हुआ करती थी तो अभी कभी अपने जो पहले जमाने में कहा करता था वो चिट्ठी नहीं होते थे, अपने दिल को कागज में रख कर चिट्ठी भेजते थे। क्या कभी ऐसा होता था क्या? बिल्कुल होता था। उस समय चिट्ठियाँ ज्यादा चलती थी तो चिट्ठियों में सारी बातें लिखी नहीं जाती थी, तो क्या कि सासार सत्य रहता था। आप सभी को पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग फौज से रिलेटेड है, तो फौज सभी को पता है कि चिट्ठी पापा के पास भी जा सकती थी, मम्मी के पास भी जा सकती थी। तो आने के बाद हमारा यही कोशिश रहता था कि बीस दिन दो महीने बाद ढाई महीने बाद चार महीने बाद 100% छुट्टी घर पर पहुंचे और अपने परिवार के साथ टाइम देता है। तो सर यही चलो सर, ये तो छोटी सी लाइफ की शुरुआत की बात थी। और अगर मैं सभी को अपने ये एनएसआर की पांचवी वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई देता हूँ। और है ना, ये एनएसआर ने हमें मुझे बहुत कुछ दिया है, तो उसके बाद बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो मैं थोड़ी सी अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगा 5 से 7 मिनट में, तो आप सभी लोग मेरा साथ दीजिएगा। ये मैं फौज में था जम्मू में, हमारा एक छोटा सा परिवार है, 3 भाई 1 बहन और माँ बाप भी, जैसे हम लोग 6 लोगों का परिवार था हमारा। और 6 लोगों के परिवार के साथ साथ मैं दो बार मैं फौज में भर्ती हुआ था। तो एक मेरे भाई के साथ और एक भाई और एक जो साल का फिर से भर्ती हुआ। तो दोनों एक साथ जब भर्ती हुए तो पापा ने सवर यही बोला कि एक जाओ और ये घर में रुकना है, दोनों के दोनों को फौज में जाना नहीं है। तो ये सिचुएशन बदलती गई और उसके साथ साथ कि नौकरी का अभी भी बहुत कठिन है और 2001 में भी बहुत कठिन था। तो चुपके से जाके मैंने फिर से भर्ती को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया और फिर से दोबारा से भर्ती हो गया था। तो उसके साथ साथ क्या कि 2018 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। फौज की जर्नी में मैं रांची झारखंड जम्मू बंगाल में भी रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में और इलाहाबाद में भी था और क्या कि बहुत सारी जगह भी था। तो वहाँ से जो कुछ भी सीखने के लिए मिला, तो है कि हमें हमेशा से संघर्ष भरा जीवन रहा। तो यहाँ पर फौज में जाने के बाद मुझे हैंडबॉल बास्केटबॉल सीखने का मौका मिला, तो 100% देके मैंने उसको भी सीखा और वहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफियाँ मैंने रेजिमेंट के लिए लाई है। और उसके साथ साथ क्या है कि प्रमोशन के फट हमको मिलते रहे सर्विस में, फौज की सर्विस में 12 साल मैंने हैंडबॉल बास्केटबॉल गेम को लगातार खेला। और क्या है कि हमें से क्या है कि फौज में तंगी रहती है, तो ड्रेस बेल्ट बूट क्या इसमें क्या कि हमेशा बंदा परेशान रहता है। तो मैं घर में इस तरीके से रहता था, जब चैप्टर छुट्टी मिलता था एक महीने का तो इसी तरीके से एक लोअर टी शर्ट के सामने मैं रहता था और आराम से छुट्टी खत्म कर ही जाता था। तो उसी क्या है कि रिटायरमेंट के बाद लॉकडाउन में मुझे ये एनएसआर के बारे में पता चला, ये मेरा पहले का लाइफ था। और क्या कि एनएसआर को ज्वाइन करने के बाद लॉकडाउन के समय में जैसे जानकारी मिला, तो एक मोटो था कि लोगों की सेवा करके सेवा के मौके से अरे इस काम को शुरुआत किया। लॉकडाउन में क्या है कि बहुत सारे लोग बीमार से ग्रसित थे और किसानों को दवाइयाँ भी मिल नहीं रही थी, तो उस हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया सेवा बोल के बस। तो आज क्या है कि ये नष्टा का सेवा करने का तोहफा मुझे इतना बढ़िया मिला कि आज
आज आप देख सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन ये स्टार से मेरे लाइफ में आया है। और ये स्टार को थैंक यू करना चाहता हूँ। और क्या कि हर बार ये नेशनल के माध्यम से जो भी टारगेट मिला हर टारगेट को मैंने विन किया। और कभी सोचा नहीं था कि मैं परिवार के साथ फाइव स्टार में जाऊंगा। तो हर टाइम ये आगरा का टारगेट मिला था, मैं परिवार के साथ आगरा में भी जाके आया, उसी के साथ लोनावला भी परिवार के साथ जाके आया, कंपनी के माध्यम से दिल्ली में भी कंपनी के माध्यम से जाके आया, उसके बाद रामनगर टूर और नैनीताल टूर। तो ये सारे के सारे क्या है कि फाइस्टर रिसोर्ट में पंक्चर चलते हैं। और ये मेरे बचपन से ये सोच नहीं थी कि हम कभी फाइस्टर में जाएंगे। और क्या कि फौज में भी जॉब करते समय हम होटल को ऐसे देखते थे यार यहाँ तो बड़े लोग जाते होंगे। तो क्या कि ये सपना सपना नहीं था ही नहीं। तो क्या कि सपने से परे ये नेस्टार से मिला है और है ना लगातार मिलते जा रहे हैं। आज हम दार्जिलिंग में हैं, तो हम ये नेस्टार में नहीं रहते। तो आज हम दार्जिलिंग में नहीं होते। और क्या है कि कई सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हुए या पुलिस में दंडा देते हुए वहाँ पर खड़ा होता हूँ। तो क्या कि मैंने एक ही बात सोची लॉकडाउन में कि जॉब तो सभी फौजी रिटायरमेंट के बाद जॉब करते हैं और अपने घर को या अपने लाइफ को बढ़िया से जीने के लिए काम करते हैं। तो मैंने ये सोचा, ये जैसे ही मौका मिला तो मैंने सोचा कि अपने माध्यम से 100 लोगों के घर में अगर खुशियाँ जाती है तो ये काम बहुत बढ़िया है। और हमें दुनिया का सबसे बढ़िया रास्ता मिला। और उसके साथ साथ ये कि हम जब भी बोलते कि हम चलते रहेंगे तो 100% मंजिल मिलती रहेगी। और क्या कि सच्ची श्रद्धा के साथ और मैं लगातार ये रास्ते काम करता गया। और क्या कि ये छोटे मोटे टारगेट जो थे ये सारे कंप्लीट किए। और ये एक बात बताऊंगा कि जूम मीटिंग के माध्यम से लॉकडाउन में सारा काम चलता था, जो कुछ भी हमने सीखा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, सारा सेल मिशन के माध्यम से सीखा हूँ। और क्या कि एग्रीकल्चर के बारे में मेरे घर में खेती भी नहीं थी, फिर जो भी सीखा जूम मीटिंग के माध्यम से सीखा और लोगों को सिखाने में काम किया। तो फौज के समय से एक आदत बना ली थी कि जो भी काम मिलता है बढ़िया से सीख के करना है उसको। तो क्या कि वो आदत यहाँ पे 100% काम आई और आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करते रहेंगे। और बात ये थी कि जूम मीटिंग में काम करते करते अभी मैं जैसे 7 मिनट से बोल रहा हूँ आप लोगों को पता चल गया कि मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत है। तो ये जो दिक्कत है बचपन से है। तो क्या कि जूम मीटिंग में मैं जब भी बात करता था तो लोग क्या कि कमेंट करके भेजते थे वहाँ पे कि सर का भाषण बंद करो, तो हमारे मीटिंग बंद कर देंगे। तो क्या कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। चीजें बोलते थे लेकिन लॉकडाउन के समय इतनी बढ़िया टीम बनाई कि टीम ने दिखा दिया कि यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे ये नेता के प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो लेकिन टीम की ताकत की वजह से तो
ये देखो, ये दिल से, ये बिजनेस जो है ना वो दिल से जुड़ा हुआ है, और अमोल जी दिल से इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए, और इसीलिए इनके इमोशंस बाहर आ गए। एक्चुअली इनको बचपन से जो है ना बोलने में तकलीफ है, तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था, अरे ये बोल नहीं पाता तो ये बिजनेस क्या करेगा, पैसा क्या खाक कमाएगा, ये बोल नहीं पाता तो बिजनेस क्या करेगा और पैसा क्या खाक कमाएगा। अमोल जी ने उस समय उनका जवाब नहीं दिया दोस्तों, जवाब नहीं दिया, क्योंकि अमोल जी के अंदर वो आग लगी थी। और अमोल जी ने जवाब कैसे दिया जानना चाहोगे? कैसे दिया? एक हफ्ते का 1,00,000 रुपए का चेक फट दिया। दोस्तों, और जब 1,00,000 रुपए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मेरे टीम में, बड़ा प्राउड फील होता है दोस्तों। अमोल जी वो व्यक्ति है जिन्होंने एक हफ्ते का हाईएस्ट 1,00,000 रुपए का चेक उठा के दिखाया है, और जब ये चेक उन लोगों ने देखा तो अमोल जी से पूछा, तो 100%
जो सभी का एक लाख चेक इसी साल में बना के दिखाएंगे जो भी सारे अपराधी लोग हैं। और क्या कि बिजनेस करते समय कभी रात को हमारा ये एक बजे तक कभी समय लग जाता है, तो हमारे बिजनेस की कभी कंप्लेंट नहीं थी कि आप घर में 12 बजे पहुँचे ये 1 बजे पहुँचे, हमेशा जब भी पहुँचा मैंने दरवाजे को कभी ये नहीं बोला कि खाना नहीं है बाहर सो जाओ करके। तो क्या कि मैम का बहुत बड़े तरीके से सपोर्ट रहा तभी मैं इतना काम कर पाता हूँ। तो मैम से भी थोड़ा सा जान लीजिए सभी से बातें मुलाकात होती है, नए नए लोग मिलते हैं, बस अच्छा लगता है मुझे घूमने को मिलता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का यही एक सपना है कि मतलब उनको साथ देने वाले योगी सर शिवंगी सर है, जहाँ उनका सपना है वो तो पूरा करके दिखाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं काम नहीं कर सकती उनके साथ, लेकिन मैं साथ साथ रहूँगी उनके, बस इतना ही। लास्ट में एक बात बोल के खत्म करूंगा सर कि अभी तक लॉकडाउन से लेके अभी तक ये न चार से मैंने 14 से 15 लाख तक की इनकम की है, और वो भी सारा सेवा का माध्यम है। मैं कर सकता हूँ तो सारे लोग कर सकते हैं। थैंक यू, जय हो।